मेरे साथ मतलब किसी ने मारपीट की थी, ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है क्योंकि हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते राम राम सलाम, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया मस्त मजे में हो गाइस। अभी अभी जस्ट उठा हूँ, 8 बज गए हैं सुबह के। और देखो सुबह सुबह ना मैं जब सो के उठता हूँ ना तो मेरा चेहरा और ज़्यादा ऐसे सूज जाता है, ऐसे फूला फूला सा लगता है। और कल तो मेरे को एक बच्चा बोल रहा था सब्सक्राइबर कि भैया आप बहुत क्यूट दिखते हो। तो अभी जा रहा हूँ मैं ब्रश करूँगा, उसके बाद मेरे को दवाई लेनी है सुबह वाली कुछ खाने के बाद। तो चलो पहले मुँह हाथ वगैरह ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और गाइज आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, कल तो मौसम बहुत ख़राब था, बारिश वाला मौसम था, आज थोड़ा ठीक लग रहा है। ये लाइट बंद कर देते पहले, ये रिंग लाइट कल मैंने रखवाई है मेरे रूम में। ओके तो गाइज मैं रेडी होके आ गया हूँ और मैं कर रहा हूँ सेक, जिससे मेरी स्वेलिंग कम हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आज के व्लॉग में आपको ये भी बता दूंगा कि मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था या फिर मेरे साथ मतलब किसी ने मारपीट की थी, ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है क्योंकि आप सभी पूछते हो कमेंट्स करके कि आपके साथ हुआ क्या था, तो ये बताना ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग में आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, तो प्लीज़ ज़रूर देखना पूरा व्लॉग देखना एंड तक। आज हमारे घर के बाहर देखो मेरे को क्या दिखा है, इसके लिए दाने लेके आता हूँ। ये शायद उड़ नहीं पा रहा है या फिर डर रहा है। अरे तेरी पे उड़ गई ये तो। अरे यार दाने लेके आया था डालने के लिए, डाल लिए और मैं जैसे डाला उड़ गई। वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना। हाँ। वो एक्सीडेंट वाले कपड़े कहाँ हैं? रखे मैंने। दिखाओ कहाँ हैं? वो दिखा देता हूँ मैं, लोग विश्वास नहीं करते, बोला आपको पीटा किसी ने। पहले इसको भी विश्वास नहीं था, मेरे पापा को भी नहीं था, मम्मी को भी नहीं था विश्वास। फिर मैंने इनको एक वीडियो दिखाई मेरे एक्सीडेंट वाली। गुड मॉर्निंग अब हुई है इसकी 11 बजे, जल्दी उठा कर। वो कपड़े कहाँ हैं मेरे एक्सीडेंट वाले? चलो दिखा मेरे। आज आपको हमारे घर का कबाड़ा भी दिखा देते हैं, कितना कबाड़ा है ये। ये वो जगह है जो बहुत ही कम दिखाई है, ये है। चलो ये पकड़ना एक बार कैमरा में, खोलो इसको। तो गाइस ये वो कपड़े हैं जो मैंने पहने थे उस वक्त। ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, इसको बाद में देखेंगे। हैंड ग्लव्स है, सॉरी हैंड ग्लव्स डॉक्टर के हैं पता नहीं शायद। ये रही वो टी शर्ट वाइट कलर की। कुछ दिनों से ना मैं मतलब पिछले जब एक्सीडेंट होने से पहले 7-8 दिन पहले से मैं वाइट कलर की टी शर्ट्स पहन रहा था डेली डेली डेली, ऐसी नज़र लगी ना। ये रे वो कपड़े, ये तो कुछ भी ब्लड नहीं है, ब्लड अच्छा निकला था, कम से कम 2-2.5 बोतल निकल गई थी। ये रे इसको फाड़ दी थी मैंने निकालते वक्त हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोला था कपड़े निकाल दो इसके ऑपरेशन के वक्त, तो इसको फाड़ दी थी बीच से, ऊपर से निकाल नहीं सकते मैं। और ये शर्ट मैंने एज ए मतलब वो होता ना कि समर कोट की तरह मैंने पहना हुआ था गर्मी से बचने के लिए। ये भी खून से यहाँ पे देखो कितना ब्लड लगा हुआ है, यहाँ पे भी ब्लड है, बहुत ब्लड तो बहुत निकला था। और एक जीन्स की पैंट थी उस पर बहुत ब्लड था। और शूज़ दिखाता हूँ आपको, जो शूज़ मैंने पहने हुए थे वाइट थे, ये देखो ब्लड। गाइस अब आपको मैं शूज़ दिखाता हूँ जो मैंने एक्सीडेंट वाले दिन पहने थे, वो भी ख़राब ही हो रखे शायद, धो दिए क्या शूज़ मेरे, दिखाता हूँ रुक जाओ। और गाइज ये वाले शूज़ मैंने एक्सीडेंट वाले दिन पहने हुए थे, जिस दिन मैं इसको पहन के गया था उस दिन यहाँ से ये उखड़ गए थे, तो मैंने यहाँ पे फेवी क्विक लगाई थी ये वाले शूज़। मेरे को बहुत दिनों के बाद वाइट शूज़ पहनने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने इनको फेवी क्विक से जोड़ा पहले और फिर पहने, और पहन के गया था। ऐसा मनहूस दिन था ना वो, पूछो ही मत। ये रैम्बो की कुछ चीज़ें पड़ी हैं, फूड बॉक्स है उसका, याद आती है यार उसके भाई बहुत। आपको मैं बाइक दिखाता हूँ जो कि सब लोग बोलते हैं बाइक टूटा नहीं, दिखाता हूँ आपको भाई अब सब चीज़ें। एक्सीडेंट जिस दिन हुआ था ना उस दिन रैम्बो यहाँ पे, उसके एक दिन पहले रैम्बो यहाँ पे खड़ा होके मेरे को बोल रहा था कि मत जाओ मत जाओ, शायद वो ऐसे ही बोल रहा था जहाँ तक मैं समझ पाया उसको। और उसके अगले दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उस दिन भी रैम्बो मेरे को रोक रहा था जाने से। तू भी जान कर आ
और उस दिन मेरे को पापा ने भी रोका था कि मत जा, थोड़ी देर बाद चले जाना, नहीं ऐसे बोला था कि आज मत जा कल चले जाना वहाँ पे, पर यार वो दिन ही ऐसा था ना, मैं नहीं जाना चाहता था, फिर भी मैं गया वहाँ पे। तो गाइज ये रहा मेरा बाइक, बिल्कुल सही सलामत है। कैसे है और क्या है मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ से टूटा है, देखो ये अब लोग बोलते हैं टूटा नहीं है, ठीक है। और इसकी जो अंदर की हेडलाइट है वो चेंज करवाई हमने, टूट गई थी, क्योंकि हमारे पास घर में कोई और साधन नहीं है, तो हॉस्पिटल आने जाने के लिए इसकी नीड पड़ती है, ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसकी लाइट हमने चेंज करवा के तुरंत सही करवाई थी आने जाने के लिए। ये चीज़ हमने सही नहीं करवाई, बाद में इसको सही करवाएंगे। ये भी टूट गया इंडिकेटर, ये वाला भी टूटा हुआ है और ये वाला भी टूटा हुआ है। और इस तरफ से ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर वो किट होती है एमरजेंसी किट, इसमें मेडिसिन वगैरह होती है, ये भी टूट के वहीं पे गिर गई थी। तो बाइक हमारा इतना ही टूटा है, ज़्यादा टूटा नहीं। बाइक था मेरा 40 की स्पीड पे, वो भी आपको मैं बताता हूँ। 40 की स्पीड में मेरा बाइक था, आगे मेरे ट्रक चल रहा था, पीछे मेरे बस चल रही थी। ट्रक के साइड में एक मतलब रॉन्ग साइड से कोई बंदा खड़ा था, और जैसे मैं उसको दिखा, दिखते ही वो उसने बाइक मतलब उसके पास स्कूटी थी, जो पैंथर स्कूटी होती ना पुराने ज़माने की, वो थी। और उम्र थी उनकी कम से कम 40 प्लस थी, मेरे पापा की उम्र से मतलब ज़्यादा उम्र थी उनकी। और जैसे उन्होंने मेरे को देखा भाई, उन्होंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और सीधा मेरे अंदर ला के बैठा दी। अगर मैं गलती से राइट साइड की तरफ मोड़ लेता और राइट साइड में गिरता तो रोड की तरफ गिरता और पीछे बस आ रही थी, बस मेरे ऊपर भी चढ़ सकती थी। लेकिन मैंने लेफ्ट की तरफ मोड़ा तो उसने भी लेफ्ट की तरफ मोड़ा। अब उसके जो वो स्कूटी का जो आगे का वो ये होता ना, जैसे ये मेरे बाइक के आगे का ये हैंडल है, तो इस वाले हैंडल पे मेरा हेलमेट से यूं जाके भिड़ गया, और जो सामने हेलमेट के सामने जो ग्लास होता है वो ग्लास मेरा यहाँ भिड़ा सीधा, यहाँ से मेरे होठ पूरा फट गया था। और फिर जिस तरफ मैं गिरा था ना, लेफ्ट साइड में मैं गिरा, तो वहाँ पर ढलान थी, आधा कच्चा था आधा पक्का था, मिट्टी पड़ी थी और छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। तो मैं नीचे जैसे ही गिरा तो मैं मुँह के बल गिरा था यूँ करके, तो मेरे यहाँ से हड्डी क्रैक होगी, यहाँ से हड्डी क्रैक होगी, ये वाली हड्डी क्रैक होगी, और मेरा नाक टूट गया पूरा, और ब्लड निकले जा रहा निकले जा रहा निकले जा रहा। मैंने मेरी दो वीडियो डिलीट हो गई, आपको पता होगा, तो अगर आप देख लेना मेरी पुरानी दो वीडियो डिलीट हो गई, जिसमें मैंने अपने टांके दिखा दिए थे, ब्लड वाली दो तीन वीडियो दिखा दी थी एक्सीडेंट की, जिससे वो गाइडलाइन के खिलाफ हो गया था। मैं जितना हो सकेगा आपको, मेरे पास है ना सारी वीडियो पड़ी है, आपको पता है मेरे पास एक्सीडेंट की सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, कि मतलब कैसे मैं गिरा था, कहाँ पे गिरा था, कहाँ मेरे को उठा के लेके गए थे हॉस्पिटल की, सारी वीडियोस पड़ी मेरे पास। मैं आपको जितना हो सके आपको दिखा दूंगा। जल्दी भेजो आप, थोड़ा उल्टा करो, ये खून रख जाएगा। बात कर पप्पू उठा के। नहीं पानी नहीं, पानी में तो लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग बोलते हैं कि यार आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ जिस हिसाब से आपको लगी। अब मैं क्या करूँ यार, मैं गिरा ही मुँह के बलूँ, लोग बोलते आपका हाथ नहीं टूटा, पैर नहीं टूटा, तुम लोग क्या यार मेरा हाथ पैर तोड़वा के राजी थे क्या? अब मेरे नहीं लगी यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गिरा मुँह के बल था तो मेरे मुँह पे ज़्यादा लगी है। बोलते हेलमेट नहीं पहना आपने, हेलमेट दिखाता हूँ मैं आपको, अंदर पड़ा है हेलमेट भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने हेलमेट भी पहना था, और शुक्र मनाओ हेलमेट अच्छी क्वालिटी का था, जो पुलिस वालों के पास हेलमेट होता है ना वैसा हेलमेट था मेरे पास, अच्छी क्वालिटी का, टूटा नहीं। अगर हेलमेट मैंने नहीं पहना होता तो मेरे सर पे लगती, सर पे कहीं ना कहीं ज़रूर लगती, मेरे पूरे सर पे कहीं नहीं लगी। बाइक नीचे गिर गया था इसलिए यहाँ से भी टूट गया था ये बाइक। शुक्र मनाओ मेरी बाइक की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, 40 प्लस ही थी, और 40 42 45 से ज़्यादा नहीं होगी मेरी बाइक की स्पीड। और हाँ, हेल्प नहीं करते मम्मी की, मैं ही करता हूँ हेल्प। ये चाय बनाइए मम्मी ने मेरे लिए, चाय पी रहा हूँ मैं करता हूँ ना हेल्प, ज़बरदस्ती बुलवा दिया मैंने। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैंने ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया था, और उस दिन मेरा ब्लॉग करने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैं वैसे तो पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत नहीं हो जाए यार आज, ऐसा लग रहा था मुझे स्टार्टिंग से ही। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, सलाम, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया मस्त मजे में हो गाइस। मैं तो ठीक नहीं हूँ यार, मैं तो कल से बीमार पड़ा हूँ। 8:15 हो गए, थोड़ी सी चाय पीऊँगा, उसके बाद सबसे पहले मैं भाई दवाई लेके आऊँगा। रैम्बो गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग। और गाइस मम्मी यहाँ पे है, जोतछी बन चुकी है, जोतछी की नौकरी मिलने वाली है मम्मी को, हाथ देख रही है रॉक्सी का। कुछ लगा पता? तीन लड़कियों, तीन बच्चे शादी के बाद। और मेरे आप दिखाओ, ये लो देखो। तो गाइज अभी खाना खाने का वक्त हो गया, दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो ये बनी है सेवियाँ
क्योंकि मैं ऐसा ही खाना खा सकता हूँ, तो चलो खाना खा लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, आजा आजा। ये बोल रहा था मेरे व्लॉग में ले लो, आयुष नाम है इसका, है ना स्मार्ट, डिंपल दिखा दे रहे। चलो ठीक है भाई, ध्यान से आना। कुछ सब्सक्राइबर मिलने आए थे, अच्छा लगता है जब कोई मिलने आता है। तो गाइस यहाँ बन रही है आलू गोभी की सब्जी, आज जल्दी खाना बन रहा है हमारे घर पे, क्योंकि मम्मी और पापा आज जाएंगे तो जल्दी बना के जा रही है मम्मी। रहा हेलमेट, इसको बाहर निकालता हूँ, विशाल पकड़ लेगा फ़ोन को, पकड़ने लगे। ये देखो ये रहा हेलमेट, मैंने खुद ही पहली बार देखा है इसको, पहली बार देख रहा हूँ मैं एक्सीडेंट के बाद इसको। इस पर ब्लड लगा हुआ है, ये टूट गया है शीशा, यहाँ से शीशा टूट गया है, ये इस पर काफ़ी ब्लड लगा हुआ है, देखो काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है। और बाहर आवाज़ आ रही होगी मेरी मम्मी की, आपको तो बात कर रही है फ़ोन पे। अब मैं ज़्यादा बहस क्या करूँ यार, जिसको दूसरी ज़िंदगी मिल जाए वो बहस करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, वो तो शुक्र मनाता भगवान का कि शुक्र भगवान ने उसको बचा लिया। हालांकि चेहरा मेरा पहला जैसा नहीं है, हाथ पैर सलामत है मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी निकाल दूंगा मैं इस चेहरे के साथ। अरे धीरे बोलो, इसको रखना चाहिए फेंकना चाहिए, फेंक देना चाहिए, ऐसी यादें वापस नहीं, याद ही नहीं करनी चाहिए। आज मैंने वो कपड़े भी दिखाए ना, वो भी फेंक दूंगा। हाँ, फिर भी इसको चलो सुबह फेंक के आएंगे या फिर रात को फेंक के आएंगे। एक्सीडेंट वाला हेलमेट ये वो ही देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा खून खून लगा हुआ सर। हाँ, ये तो हेलमेट अच्छी क्वालिटी का है ना, इसलिए थोड़ा मैं बच गया। उधर मम्मी खतरों से खेल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है फोन में। तो गाइस मम्मी ने आलू और गोभी की सब्जी बनाई थी, मैं आलू खा के ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब आलू तो वैसे मतलब ढीला सा होता है ना, तो खा सकता हूँ मैं। और देखो कितने छोटे छोटे पीस मेरे को पापा ने बना के दिए, तो खाता हूँ मैं, आराम से खा पा रहा हूँ। और मैंने पूरे एक महीने के बाद ऐसी करारी सब्जी खा रहा हूँ, टेस्ट आ रहा है। 8 बजे वाले हैं गाइस, 8 बज चुके हैं और आज मम्मी और पापा जा रहे हैं हनुमानगढ़ 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। लास्ट वीक जा रहे थे लेकिन कैंसिल हो गया, और नानी की तबीयत खराब हो गई थी, और अभी 2 दिन का काम है, फिर जल्दी आ रहे हैं। रॉक्सी छोड़ के आ गई, मेरी जाने की इच्छा थी लेकिन मेरे को जाना अलाउड नहीं है बाहर, तो इसीलिए मम्मी और रॉक्सी आ गई, रॉक्सी छोड़ के आ जाएगा। चलो ठीक है, ध्यान से आना, और रॉक्सी बाहर खड़ा है, ठीक है, चलो बाय बाय बाय। ओके तो गाइस मम्मी और पापा तो चले गए, और उनके जाने के बाद घर थोड़ा सा सूना सूना सा हो गया। आई होप आपके सारे डाउट आज क्लियर हो गए होंगे, और बाद में आप दोबारा मेरे से नहीं पूछोगे कि आपका एक्सीडेंट कैसे हो, क्योंकि मैं उस चीज़ को अब याद नहीं करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ बार बार मत पूछना मेरे से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने पूरा व्लॉग देखा और चीज़ें समझी, आप ऐसे मेरे को सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने एक्सीडेंट के टाइम में मेरे को बहुत सपोर्ट किया, आपके सपोर्ट से, और आपके जो कमेंट्स होते थे वो भी बहुत अच्छे होते थे, पॉजिटिव होते थे, आपने मेरे लिए इतनी दुआ प्रार्थना की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप जैसी फैमिली मेरे को मिली है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करना। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।